तो भाई लोग, जब से मैंने Realme का P1 5G का अनबॉक्सिंग किया है और Vivo ने अपना T3 X5G को लॉन्च किया है, तब से भाई कमेंट बहुत आ रहा है कि भाई 15,000 के बजट में ये दोनों फोन में से कौन सा फोन लेना चाहिए और कौन सा फोन बेस्ट होगा। तो आज के इस वीडियो में दोनों फोन का कंपेयर करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा दोनों फोन में से कौन सा फोन आपको क्यों लेना चाहिए और कौन सा फोन आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले फटाफट से इसको लाइक कर देना। तो सबसे पहले रैम और रोम का वेरिएंट या फिर प्राइस की बात करें तो देखो, अभी के टाइम में 4GB 128GB लेना कोई सेंस नहीं बनता है। तो Vivo ने जो 4GB 128GB लॉन्च किया है दोस्तों 13,500 के आसपास, उसको भाई बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि अगर आप फोन लेने जा रहे हो कम से कम 6GB तो होना चाहिए, क्योंकि उसमें पावरफुल चिपसेट भी मिल रहा है, साथ में अदर जो फीचर्स वगैरह है उसको बैलेंस करने के लिए रैम थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो 4GB 128GB स्किप करना, बाकी 6GB 128GB आप दोनों फोन का प्रेफर करना, चाहे कोई भी स्मार्टफोन आप लेने जा रहे हो। लेकिन दोनों फोन का अगर आप प्राइस देखोगे ना, तो भाई Vivo अपना 6GB 128GB को भाई 15,000 में लॉन्च किया है, नॉर्मल प्राइस बता रहा हूँ। बाकी Realme P1 5G का प्राइस देखोगे तो वो भाई 6GB 128GB भाई 16,000 में मिलता है। यहाँ पर आपको 1,000 का प्राइस डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बट उस हिसाब से मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। अब देखो, डिजाइन की बात मैं आपको क्या बताऊं, Realme का भी डिजाइन काफी अच्छा लगता है, Vivo का भी डिजाइन भाई ठीक ठाक है, लेकिन मेरा पर्सनल पसंद भाई Realme का ज्यादा बेटर लग रहा है। बाकी भाई डिजाइन अपना अपना ऊपर है, तो भाई आपको जो पसंद आए वो चूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात है भाई डिस्प्ले में। देखो, Realme ना AMOLED डिस्प्ले के साथ आया है, जहां पर 120Hz का रिफ्रेश रेट है, 2000 nits का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है, मतलब डिस्प्ले काफी बढ़िया क्वालिटी का है। उसको मैंने टेस्ट किया है तो मुझे पता है भाई काफी तगड़ा डिटेल्स निकाल के देता है। लेकिन दूसरी तरफ Vivo में अगर आप नोटिस करोगे तो LCD पैनल के साथ आया है, फुल HD रेजोल्यूशन है, वहां पर भी 120Hz रिफ्रेश रेट है। लेकिन अगर आप क्वालिटी के हिसाब से देखोगे तो भाई Realme में आपको बेटर क्वालिटी देखने को मिल रहा है। तो जो लोग ज्यादा कंटेंट वगैरह वॉच करते हैं ना, मेरे ख्याल से उसके लिए भाई Realme ज्यादा बेटर होने वाला है। उसके बाद अगर दोनों फोन का बैटरी देखोगे तो भाई अलग अलग बैटरी भी आपको मिलता है, क्योंकि Realme अपना 5000mAh बैटरी के साथ आया है, जहां पर आपको 45W का चार्जर मिलता है। बैटरी आराम से भाई एक दिन बैटरी बैकअप निकाल के देता है और फास्ट चार्जिंग भी है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बैटरी बैकअप और ज्यादा चाहते हो ना, तो Vivo आपको भाई 6000mAh का बैटरी दे रहा है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है, और वहां पर आपको 44W का चार्जर भी मिलता है। तो बैटरी के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर भाई Vivo निकल के आता है। और उसके बाद स्टोरेज टाइप की बात करोगे तो भाई Realme ने अपना P1 5G में UFS 3.1 का स्टोरेज दिया है, लेकिन आप Vivo का फोन देखोगे तो वहां पर UFS 2.2 का आपको स्टोरेज मिलता है। बाकी दोनों ही फोन में LPDDR4X रैम मिल जाता है। लेकिन अगर आप क्वालिटी की बात करोगे स्टोरेज का, तो बेटर क्वालिटी आपको Realme में मिल रहा है। अब अगर कैमरा की बात करोगे तो दोनों ही फोन बैक साइड में 50MP का ड्यूल रियर कैमरा लाता है, लेकिन भाई सेल्फी कैमरा में आपको फर्क मिलता है। Realme में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, लेकिन Vivo में 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो यहाँ पर मेगापिक्सल में आपको Realme थोड़ा सा बेटर मिलता है। बाकी दोनों ही फोन आता है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ, अपडेट वगैरह दोनों ही कंपनी देने का प्रॉमिस किया है। लेकिन भाई यहाँ पर अगर बात करोगे सिक्योरिटी का, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ Realme ला रहा है अपना, और Vivo भाई साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, तो थोड़ा सा बेटर भाई आपको Realme देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मोस्ट फीचर्स है भाई दोनों फोन का, वो है भाई प्रोसेसर। देखो भाई Realme में ना MediaTek का चिपसेट के साथ आया है, Dimensity 7050 पावरफुल चिपसेट है, आराम से भाई यहाँ पर गेम वगैरह सब कुछ खेल पाओगे। लेकिन Vivo में और थोड़ा सा बेटर आपको पावरफुल चिपसेट मिलता है, क्वेलकॉम का स्नैपड्रैगन 6 Gen 1, तो थोड़ा सा स्लाइटली आपको बेटर जो है पावर देखने को मिल रहा है भाई Vivo में। तो ये मेजर फर्क आपको ये दोनों फोन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं अपना ओपिनियन भाई दोनों में से कौन सा फोन बेटर है, कौन सा आपको लेना चाहिए, देखो अगर आप कट्टर गेमर हो, मतलब गेमिंग के अलावा आपको कुछ नहीं सोचता है, तो फिर आप Vivo की तरफ जा सकते हो। Vivo में आपको थोड़ा सा स्लाइटली बेटर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि वहां पर जो चिपसेट है वो पावरफुल वाला है। लेकिन अगर आप गेमिंग के साथ साथ और भी अदर फीचर्स बेटर चाहते हो, जैसे कि कैमरा 60MP, AMOLED चाहते हो, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, या फिर आपको UFS 3.1 का स्टोरेज चाहिए, तो मेरे ख्याल से Realme एक कंप्लीट पैकेज के साथ अपना P1 5G को लॉन्च किया है। और 1000 ज्यादा दोगे तो आपको 16000 में 6GB 128GB मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से वो बेटर ऑप्शन है आप लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल से Realme P1 जो है बेटर आपको फीचर्स दे रहा है। बाकी अगर आप कट्टर गेमर हो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो फिर आप Vivo का T3X ले सकते हो। तो ये था दोस्तों मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन दोनों फोन के बारे में। आपको कौन सा फोन अच्छा लग रहा है जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। बाकी अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, और P1 5G का अनबॉक्सिंग तो मैंने डाल दिया है, बाकी भाई Vivo T3X का भी अनबॉक्सिंग आने वाला है बहुत ही जल्द, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी भाई जाने से पहले ये वाला वीडियो देख लेना, या फिर चाहो तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग।